गुड मॉर्निंग एवरीवन वन एज़ यू नो यस्टरडे हमने बात की थी वी विल वी हैड टॉकड अबाउट शेडोज़ तो व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज शेडोज क्या है तो so, uh, ये जानेंगे हम एक्टिविटी टू से नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपिक ऑब्जेक्ट्स मींस आपको मालूम है कि ट्रांसपेरेंट से या ट्रांसल्यूसेंट से ट्रांसपेरेंट से तो नहीं, नहीं बन सकती क्योंकि लाइट पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जाती है इस वजह से कोई भी इमेज फॉर्म्ड नहीं हो सकती लाइक like ग्लास है तो उसके अंदर सन लाइट या ट्यूबलाइट पूरी की पूरी पास हो जाती है तो दे कैन दे कैन नॉट फॉर्म इमेज इमेज केवल ओपेक ऑब्जेक्ट से बनती है जो कि लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देती और रिफ्लेक्ट कर देती है तो ओपेक का जो जस जैसे हम कह सकते हैं कि जब सन अर्थ की टूवर्ड्स में फेस करता है तो वहाँ लाइट रहती है और उसके जो बैक वाला हिस्सा है वो डार्क रहता है तो कह सकते हैं कि ड्यू टू एबसेंस ऑफ सन डार्क इमेज इज़ फॉर्म्ड वैसे ही कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है और ओपेक ऑब्जेक्ट एक डार्क इमेज फॉर्म करता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट क्योंकि सनलाइट सनलाइट या ट्यूबलाइट में वो पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती उस एरिया में या उस जगह पर्टिकुलर जगह पर वो एक इमेज फॉर्म हो जाती है डार्क पैचेस जिसे हम बोलते हैं ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो तो समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग इट्स शेडो कभी कभी आप जैसे मैंने कल बताया था कि आप देख सकते हैं कि बाय शेप ऑफ द

बहुस एक्टिविटी टू में ही बात कर रहे हैं कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट लीजिए और उसको एक शीट uh, के सामने रखिए तो एक डार्क पैचेस फॉर्म हो जाएंगे यानी कि एक डार्क इमेज फॉर्म हो जाएगी अब उस उस इमेज को ट्रेस करिए तो वो आप, आपको पता लग जाएगा कि किस फॉर्म की इमेज बन है नाउ एक्टिविटी थ्री दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क रूम इन द इवनिंग गो आउट इन द ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स ये डार्क में होगी एक्टिविटी इन द इवनिंग जब सन इज अबाउट टू सेट जब सेट होने को होगा तो अपने फ्रेंड के साथ जाइए अ टेक अ टॉर्च एंड लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड यहाँ पर आप टॉर्च लीजिए और कार्डबोर्ड लीजिए होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड शीट को होल्ड कीजिए और ग्राउंड को आ, से टच करिए मतलब क्लोज करिए एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड फेस और ऐसे अपवर्ड फेस कीजिए कि वो लाइट रिफ्लेक्ट हो आपके फ्रेंड्स के फेस में यू नो हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलोइंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट आपको मालूम है कि आपके पास एक ऐसा सोर्स है जो लाइट uh, फॉल करता है ओपिक uh, ऑब्जेक्ट पर अगर फॉल करता है इफ देर अर नो ट्रीज बिल्डिंग्स और एनी ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड यू वुड सी शेडो ऑफ योर फ्रेंड हैड तो कहने का मतलब ये है कि जब वो कार्ड कार्डबोर्ड आप अपने फ्रेंड के नियर पर ले जाएंगे और जब एक लाइट फॉल होगी तो उनके पीछे इमेज इमेज फॉर्म होगी कब जब इवनिंग होगी ओके तो जैसे आप इमेज देख सकते हैं ये इमेज दे, देख रही है आप शो कर रहे हैं ये पिक्चर में कि uh, एक uh, ये दिस इज बॉय और गर्ल कोई खड़े हुई है उसके पीछे लेके एक कार्डबोर्ड है और आपने टॉर्च मारी तो उसके पीछे एक इमेज बन रही है So, this is the concept of image. Okay. So, uh, this is for all to thank you very much.